स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? ए जौनपुर, बी बाराबंकी, सी सहारनपुर, डी हापुड़। आंसर सी सहारनपुर। एक्सप्लेनेशन: पीएम मोदी ने उड़ान योजना के तहत रीवा मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी मोरक्को, सी केन्या, डी मिस्र। आंसर डी मिस्र। एक्सप्लेनेशन: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर मिस्र को मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया है। मिस्र इस वर्ष काबो वर्दे के बाद ये दर्जा हासिल करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा देश बन गया। 2010 में मोरक्को और 2007 में संयुक्त अरब अमीरात के बाद इस लिस्ट में शामिल होने वाला मिस्र पूर्वी भूमध्य क्षेत्र का तीसरा देश है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? ए 18 से 24 अक्टूबर, बी 19 से 25 अक्टूबर, सी 20 से 26 अक्टूबर, डी 21 से 27 अक्टूबर। आंसर बी 19 से 25 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ किया, जो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक चला। राष्ट्रीय लर्निंग वीक NLW का उद्देश्य व्यक्तिगत और सरकारी निकायों जैसे मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के भागीदारी के माध्यम से सीखने की क्षमता का विकास करना है। अगला प्रश्न। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? ए 8 जिले, बी 7 जिले, सी 6 जिले, डी 5 जिले। आंसर ए 8 जिले। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCA ने रेल मंत्रालय की 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 6,798 करोड़ रुपए लगभग है। 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को कवर करने वाले 2 प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 313 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे। अगला प्रश्न। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, बी जस्टिस बेला त्रिवेदी, सी जस्टिस सूर्यकांत, डी जस्टिस संजीव खन्ना। आंसर डी जस्टिस संजीव खन्ना। एक्सप्लेनेशन: केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को CJI चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद उनका स्थान लेंगे। वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा। वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ ने केंद्र को पत्र लिखकर दूसरे वरिष्ठ न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश की थी।